एमपी में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की कद्दावर नेता उमा भारती ने अपनी ही सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। महिला आरक्षण बिल को लेकर ओबीसी के मसले पर उमा ने खुले तौर पर अपना विरोध जताया है। इस मुद्दे पर उन्होंने पीएम को चिट्ठी भी लिखी थी, लेकिन अब उमा भारती ने 23 सितंबर को भोपाल में ओबीसी नेताओं की एक बड़ी बैठक बुलाने की बात कही है। उमा भारती ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्विटर पर लिखा था कि आज राज्यसभा में भी महिला आरक्षण बिल पूर्ण बहुमत से पारित हो गया। अब यदि पिछड़े वर्गों के स्थान देने के लिए एक और संशोधन का मार्ग निकालना है, इसलिए भोपाल शहर के एवं उसके आसपास के पिछड़े वर्ग के प्रमुख नेताओं के साथ विचार विमर्श हुआ। 23 सितंबर को एक और बड़ी बैठक बुलाने का फैसला हुआ। माना जा रहा है कि बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती इस मसले पर पार्टी के लिए आगे मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। पार्टी ने जैसे ही महिलाओं को 33% आरक्षण का बिल लोकसभा में रखा था, वैसे ही उमा भारती ने इसमें ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग शुरू कर दी थी। इसके लिए वे मीडिया में लगातार मुखर होकर बयान भी दे रही थी। हालांकि अभी पार्टी ने उमा भारती के बयानों पर कोई सफाई नहीं दी है, लेकिन चुनावी दौर में उमा भारती को लंबे समय तक अनदेखी करना पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी तक।